दोस्तों आज के इस वीडियो में क्रेडिट ऐप के बारे में बात करने वाला हूं। क्या ये सच में क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने पे कैशबैक देता है, इसी के साथ साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या मैं इसे यूज करता हूं या नहीं, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आज के इस वीडियो में। और हाँ दोस्तों, जब से पेटीएम और आरबीआई का न्यूज निकल के आया है तब से ये बहुत ज्यादा कैशबैक देने लगे हैं। ऐसे मौका में ये कस्टमर को अपने तरफ खींचना चाहते हैं, तो हमें क्या है, हमें तो कैशबैक मिलेगा तो हम पेमेंट कर लेंगे, जब नहीं देंगे तब हम नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, क्रेडिट ऐप का बात किया जाए तो यहाँ से आप किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। अलग अलग ऐप या वेबसाइट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, एक जगह से सारा कार्ड आपका मैनेज हो जाएगा। दूसरी बात कि आपके क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू डेट है वो सब एक ही जगह यहाँ पे मैनेज हो जाता है, एक ही जगह दिखा दिया जाता है, तो कार्ड मैनेज करने का जो झंझट है वो क्रेडिट ऐप उठा लेता है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड में कोई हिडन चार्जेस बैंक लगा देता है तो क्रेडिट ऐप आपको नोटिफाई कर देगा। इसके अलावा सर्विस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आप रेंट पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट ट्रांसफर करना हो तो इंस्टेंट आप कर सकते हैं। और क्रेडिट ऐप में यूटिलिटी टाइप का जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सब आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गैस बिल हो गया, मोबाइल रिचार्ज, डीटूएच रिचार्ज हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्रेडिट ऐप को रेगुलर अगर आप यूज करते हैं और अगर आपका क्रेडिट स्कोर सही है तो क्रेडिट कैश का ऑप्शन आपको दिखा दिए जाते हैं। उसमें एक अमाउंट आपको अलॉट किया जाता है, वो अमाउंट को कभी भी आप अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि एज ए लोन आपको ट्रांसफर किया जाएगा। तो मैं इस तरीके से कह सकता हूँ क्रेडिट ऐप आपको लोन भी देता है बड़े ही सस्ते दाम पे। खैर ये सब तो ऊपर ऊपर की चीजें हैं, चलिए देखते हैं क्रेडिट ऐप को हमें यूज कैसे करना है, यानी कि एक्चुअल हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं क्रेडिट ऐप को और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैं जरूर शेयर करूंगा। तो देखिए दोस्तों, क्रेडिट ऐप का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड में मिल जाएगा, वहां से आप ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। और इसमें बेनिफिट आपको ये होगा कि पहला क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट अगर 1000 रुपए का करते हैं तो अप टू 1000 रुपए का कैशबैक आपको मिल जाएगा, जो कि सीधे आपके क्रेडिट कार्ड में भेज दिया जाएगा। 500 रुपया तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि ये वीडियो देखने का मिनिमम 500 रुपया तो आपको जरूर फायदा हो गया, अप टू 1000 रुपए तक जा सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जितने लोग इंस्टॉल कर लेंगे सबको 500 मिल जाएगा। क्रेडिट ऐप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि ये है कि आपका क्रेडिट स्कोर जनरेटेड होना चाहिए, तभी आप क्रेडिट ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने कभी लोन लिया हो या क्रेडिट कार्ड लिया हो और सिबिल जनरेट हो चुका हो, वही लोग क्रेडिट ऐप में एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि क्रेडिट ऐप में जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपका सिबिल चेक किया जाएगा, आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाएगा। चलिए हमने क्रेडिट ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, ऐप को हम ओपन करते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्लाइड शो वगैरह दिखाए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी आएगा, ओटीपी हम यहाँ पे सबमिट करेंगे और यहाँ पे कुछ परमिशन मांगा जा रहा है, आप इसे अलाउ भी कर सकते हैं या फिर ऊपर में स्किप फॉर नाउ के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्रोसीड कर देता हूँ। चलिए उसके बाद सबसे पहले आपको क्रेडिट कार्ड एड कर लेना है, जिसके लिए सबसे पहला ऑप्शन क्रेडिट कार्ड वाले के ऊपर क्लिक करना है। हमने यहाँ पे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड को एड करके रखा है, किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट हम इंस्टेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए कैशबैक भी बताए जा रहे हैं, इस कार्ड का अगर मैं बिल पेमेंट करता हूँ तो 50 रुपए का हमें कैशबैक मिलेगा। फिर से यहाँ पे देख लीजिए अभी सभी कार्डों के ऊपर 50 रुपए का ऑफर चल रहा है। ये ऑफर कभी बढ़ भी जाता है, कभी घट भी जाता है और कभी कभी परसेंटेज में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10,000 का पेमेंट कर रहे हैं तो 2% का अगर कैशबैक एलिजिबल हो गया तो उस हिसाब से मिल जाता है, ये ऑफर हमेशा चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड को एड करके रखा है ताकि मैं एक ही जगह से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर पाऊं। लेकिन आपको फर्स्ट टाइम कार्ड एड करना पड़ेगा, तो ऊपर एड कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद कार्ड नंबर डालेंगे, कार्ड के ऊपर क्या नेम है वो डालेंगे, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे और फॉर वेरिफिकेशन एज पर आरबीआई गाइडलाइंस 1 रुपया आपके कार्ड से कटेगा, ताकि आपका कार्ड क्रेडिट ऐप में सेव हो सके, बार बार कार्ड नंबर ना डालना पड़े। तो एक बार ऑथेंटिकेट कर देने के बाद आपका कार्ड लिस्ट में एड हो जाता है। एक एक करके सभी कार्ड को आप एड कर सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल ये फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट हमें करना है, तो पे इंस्टेंटली के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए पूछ रहा है कितना अमाउंट का आप बिल पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 1000 रुपया मैं बिल पेमेंट करके दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पे देख लीजिए हमें 997 रुपये का ही पेमेंट ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि 3 रुपया हमारे क्रेडिट बैलेंस में था। यानी कि किसी भी तरीके से कैशबैक आता है तो क्रेडिट बैलेंस में ऐड हो जाता है, जिसे आप क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट में एडजस्ट कर सकते हो। तो देखिए यहां पे 997 रुपए का हम पेमेंट करेंगे, पे नाउ के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए चूज बैंक अकाउंट का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, जो कि क्रेडिट ऐप एक यूपीआई ऐप भी है, यहाँ पे आप किसी भी प्रकार का यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। और किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट के लिए अगर आप यहाँ पे उस बैंक को ऐड कर लेते हैं एज ए यूपीआई, फॉर एग्जाम्पल मेरा HDFC में अकाउंट है तो HDFC अकाउंट को हम एड कर लेते हैं, ताकि हम HDFC अकाउंट से डायरेक्टली UPI से पेमेंट कर पाए। चलिए तो हमारा अकाउंट एड हो चुका है, पे नाउ के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब हम UPI पिन डालेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे विन कैशबैक का ऑप्शन आ चुका है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं।
अब देखते हैं कोई कैशबैक हमें मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे स्पिन करेंगे इसको और देख लीजिए यहाँ पे 40 रुपए कैशबैक हमें मिल चुका है। यहाँ पे देख लीजिए इंस्टेंट हमारे 40 रुपए वॉलेट में एड भी हो चुका है, यानी कि 1000 का बिल पेमेंट हमने किया, 40 रुपए के कैशबैक हमें मिल गया। और टोटल कैशबैक देख लीजिए, टोटल कैशबैक अर्नेड 52,064 रुपए अभी तक हमने कैशबैक अर्न किया है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करके। इतने सारे क्रेडिट कार्ड भी है और ये लंबे समय से कैशबैक इकट्ठा होकर के बता रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देख लीजिए एक और हमें क्लेम करने का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, फिर से हम स्पिन करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे तो कुछ खास हमें मिला नहीं, क्वाइन मिला है जो कि ये क्वाइन का वैल्यू तो मैं कहूंगा कुछ भी नहीं है, इग्नोर करो इस चीज को, 5 लाख क्वाइन है उसका वैल्यू 50 रुपए का भी नहीं है। चलिए आप फटाफट से क्रेड ऐप के ऊपर और भी जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए व्यू ऑल के ऊपर आपको क्लिक करना है और ये हमारा एक्सिस बैंक से मैसेज भी आ गया कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है एक्सिस बैंक में आ चुका है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए पहला ऑप्शन है बैंक बैलेंस, यहाँ पे एज ए यूपीआई बैंक को एड कर सकते हैं और बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। दूसरा है क्रेडिट स्कोर, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखो कौन सा कंपनी का ये स्कोर दिखाते हैं। ओके, तो ये CRF हाईमार्क कंपनी का स्कोर दिखाते हैं, रिफ्रेश हम कर लेते हैं स्कोर को और ये हमारा स्कोर रिफ्रेश हो चुका है, हालांकि घट गया है, चलिए इसे हम बैक करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे यूटिलिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं, रेंट पेमेंट कर सकते हैं, एडुकेशन पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनका स्टोर भी है जहाँ पे बहुत सारे सामान आप खरीद सकते हैं, ट्रेवल बुक कर सकते हैं और भी काफी चीजें इन्होंने यहाँ पे ऐड किया है। ये सबको हम इग्नोर करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैं आपको बता दिया हूँ। इसके अलावा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप के ऊपर नोटिफिकेशन भी ये रेगुलर भेजते रहते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड का ड्यू डेट आज है या नियर बाय में इस क्रेडिट कार्ड का ड्यू है, इसे पेमेंट कर लो। तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन भी भेजते रहते हैं ताकि आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू डेट है वो भूलो नहीं, पेमेंट मिस ना हो पाए। खैर चलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी लंबा नहीं खींचेंगे, फटाफट से बात कर लेते हैं मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, क्या मैं इस ऐप को यूज करता हूं या नहीं। तो डेफिनेटली मैं इस ऐप को यूज करता हूं ताकि मैं अपने क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है उसे मैनेज कर सकूं। सबसे मेन पॉइंट यही होता है, अगर आपके पास एक दो क्रेडिट कार्ड है तो आप दो बैंकों के वेबसाइट के ऊपर जाकर के नेट बैंकिंग से पेमेंट कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे पास 70 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है तो मैं अगर हर बैंक के वेबसाइट के ऊपर जाकर के पेमेंट कर भी दूं तो मुझे कंफ्यूजन ये रहता है कि किस बैंक का पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, तो वो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इस ऐप को मैं यूज करता हूं ताकि एक ही जगह मैं सारा चीजों को देख पाऊं। और कैशबैक जो मिलता है वो तो हमारे लिए बोनस है, खैर कैशबैक कभी ज्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, कभी रिवॉर्ड मिल जाता है, तो वो रिवॉर्ड कॉइन का कोई एक्चुअल में वैल्यू ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कई बार हमने क्रेडिट ऐप से लोन भी लिया है 2-2, 3-3 लाख का, तो रेगुलर यूज करने का बेनिफिट है। इस ऐप का कोई भी नुकसान हमें अभी तक नहीं देखने को मिला है जो कि मुझे रोके कि हाँ भाई इस ऐप को क्यों इंस्टॉल कर रहे हो। तो जाइए आप भी इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ध्यान रखिएगा पहला क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट 1000 का करना होगा, तभी आप 500 से 1000 रुपए तक का कैशबैक ले पाएंगे जो कि आपके वॉलेट में आएगा, उसे आप क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करके क्रेडिट कार्ड में उस पैसे को ले जा सकते हैं। तो बस दोस्तों, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिलेंगे अगले किस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।